बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्लीज़ रिसाइट थर्ड कलमा इन दरूद शरीफ। टुडे आवर टॉपिक इज सेंटेंस मेकिंग। मेक सेंटेंस विद दीज वर्ड्स। दीज आर द 8 वर्ड्स। नंबर 1, सेंचुरी, सदी। द ग्रेट पोइट अल्लामा इकबाल। इकबाल वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ दिस सेंचुरी। इकबाल इस सदी का अजीम शायर था। यू कैन आल्सो राइट इट, इकबाल इज अ ग्रेट पोइट ऑफ दिस सेंचुरी। वी कैन आल्सो मेक द सेंटेंस लाइक दिस, शाहिद अफरीदी मेड अ सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया। नंबर 2, कॉन्क्वेस्ट, फतह। The conquest of Mecca was a great achievement in Islam. The conquest of Mecca, Fateh Mecca, एक अजीम जो है अचीवमेंट है इस्लाम के अंदर। The conquest of Mecca was a great achievement in Islam. Influential, ba'athar, the asar. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is an influential personality in the world. You can also make this sentence like this: my father is an influential businessman, my brother is an influential personality. Determination, azm, irada. He showed great determination in difficult time. Usne mushkil waqt mein zabardast अज़म इरादे का मुजाहरा किया, यानी कि हिम्मत का मुजाहरा किया। ही शोड ग्रेट डिटर्मिनेशन इन डिफ़िकल्ट टाइम। डेलीगेशन वफद को कहते हैं, वफद जिसमें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन सम पीपल। दे सेंट अ डेलीगेशन टू अटेंड द पार्टी। दे सेंट अ डेलीगेशन टू अटेंड द पार्टी। They sent a delegation. I take care about the full stop. They sent a delegation to attend the party. उन्होंने एक वफद भेजा पार्टी को अटेंड करने के लिए। Quietly, खामोशी से। He went to the school quietly. वो खामोशी से स्कूल चला गया। आज आमादा करना, उभारना, ख्वाहिश करना। ही हैज़ अ ग्रेट अर्ज टू बिकम अ डॉक्टर। उसकी शदीद ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बने। इग्नोरेंस, जहालत और लाइल्मी कहते हैं। ही शोड कम्प्लीट इग्नोरेंस। ही शोड कम्प्लीट इग्नोरेंस अबाउट द इंसिडेंट। उसने इस मामले में जो है वो मुकम्मल जहालत लाइल्मी का मुजाहरा किया। यहाँ पर जो है वो लाइल्मी हो गए। वैसे तो अगर चेंज करेंगे तो सेंटेंस में चेंज भी हो सकता है। सो दीज आर द सेंटेंस, ओनली 8 सेंटेंस, एंड देर आर मैनी अदर वर्ड्स इन ग्लॉसरी। यू आल्सो मेक एंड ट्राई योर बेस्ट टू मेक द सेंटेंसेस बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द अदर थिंग इज, व्हेन यू आर मेकिंग द सेंटेंस, you must know that we should take special care about the subject verb agreement. For example, when we write a sentence, if we read, we cannot read it, write it we reads, you make it you, we will never write you makes it. So these are the important thing. When you are making the sentence making, you must take special care about the subject verb agreement and make the sensible sentence making. It is very easy for you then, and you must be clear about the meaning of the sentence, and you must be clear either it is noun, adjective, a verb, and then it is very good for you. So take all these things
The main thing is the understanding. So understanding is the key to success. Jazakallah.